हेलो गाइस, तो अस्सलाम वालेकुम। और अभी टाइम कितना हो गया? 11 बज गए अभी। घड़ी घड़ी बंद हो गई है, 8:30 नहीं बज रही, घड़ी बंद हो गई है, घड़ी में 8:30 बज रही है। तो गाइस देखिए, अभी सो के उठा है और अभी भी कम्बल लेके बैठ गया है। और आज जुमा है, तो आप सबको जुमा मुबारक हो बहुत बहुत। और अभी पूरा काम पड़ा हुआ है घर में, अभी किचन में भी मैंने कुछ भी नहीं करा है। और इसको कब से उठा रही हूँ कि उठ जा बिट्टू, उधर उसका रूम जो है, एक रूम बिट्टू साफ कर रहा, पूरी सफाई कर रहा उस बिस्तर, वो धूप में डाल के आ गया और पूरा रूम एकदम क्लीन करेगा वो पूरी तरीके से। तो वो उधर लगा हुआ, और इसको कब से उठा रही हूँ। और सोना ने उधर एक रूम की सफाई उधर कर दी है, झाड़ू लगा दिए, बेडशीट भी सही कर दिए, चेंज नहीं करी है। गाइस मैंने अभी हॉल में काम स्टार्ट शुरू किया है, क्योंकि है ना पूरी धूले धूल हो जाती है, तो सारा बिस्तर उठा दिया मैंने। तो आज मैं सोच रही हूँ जुम्मा भी है तो हॉल को धो देती हूँ पूरा, और उसके बाद बिस्तर बिछाऊँगी, क्योंकि फिर धूल बहुत हो जाती है, पैरों में भी धूल आ रही है। तो पहले हॉल से स्टार्ट किया है, तो पहले हॉल को क्लीन करके उसके बाद फिर पीछे के रूम की साफ़ सफाई करूँगी। तो ये देखिए पूरी धूल ही धूल हो गई, जबकि इतनी जल्दी जल्दी कर लेते। और ये बिस्तर सब उठा दिया मैंने, और यहाँ कूलर का स्टैंड अभी तक बन के नहीं आया, हमने उनको बोला नाप भी नहीं लगाए भैया अभी। गाइस बोल के झाड़ू लगा दी, अब डायरेक्ट पानी पाइप ला के धो दूँगी इसको। और यहाँ कपड़े भी पड़े हुए मशीन के अंदर, तो पहले मैं मशीन में पाइप लगा देती हूँ, तो मशीन भरा जाएगी और कपड़े भी धुलते रहेंगे, हॉल भी धुल जाएगा। तो यहाँ देखिए तोशिब बिस्तर ला रहा है, और सारा बिस्तर है ना हॉल, ये बिट्टू ने उसके रूम का सारा बिस्तर निकाल लिया। ये देखिए तेज़ हो रही है, और सब बिस्तर धूप में रख देंगे तो हॉल पूरा खाली हो जाएगा, तो बिस्तर को भी धूप लग जाएगी। और बिट्टू के रूम का तो है ही सही, बिस्तर पूरा आ गया उसने, ऊपर लेके आ गया वो। देखो दो दो ला रहा, लेकिन सोना नहीं उठ रहा, तो नहीं उठ रहा। वहीं रख दे बेटा, वहीं रख दे एक एक, बस इस पे रख दे, गिट्टी पे रह जाइए बस। चलो फैलाइया फैला, हाँ जमीन गर्म हो रही होता। तो गाइस बहुत तेज धूप है, मैं तो हम दोनों नंगे पैर आ गए। और है क्या बिस्तर, एक गादी और होगी नहीं है? अच्छा आप धो देते हैं हॉल। गाइस हॉल भी धुल गया है, और पूरा दिखाती हूँ। और कूलर को हमने जो हमारा टूटा हुआ स्टैंड था उसी पे जमा दिया, तो वो सही जम गया, जब से दिमाग में ही नहीं आ रही थी। तो ये देखिए तो उसे पानी निकाल रहा, पूरी दीवारें वाले सब गीली कर दिए, और ये पूरा धुल गया हॉल। तो ये देखिए बिट्टू का कमरा तो आग छोड़ रहा है, बिल्कुल आग, क्योंकि ना इसने पूरी दीवारें गीली कर दी है, और इसने भी इसका रूम पूरा धो दिया है, तो इतना गर्म भापे आ रही है इधर से। काम तो उधर के हो गए हैं, अब मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ जल्दी से, क्योंकि किचन में भी मुझे 1 घंटा तो लगना ही है। इसमें अब नहाई हूँ और अब काम से फ्री हुई हूँ पूरी तरह, तो अभी भी फ्री नहीं हुई हूँ, क्योंकि अभी बिट्टू का रूम, अभी ऊपर सब उसका भी बिस्तर रखा हुआ है, हॉल का भी बिस्तर अभी पूरा रखा हुआ है। और तोशिब हंस रहा है दूर से मुझे देख के, और मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है, इन सब ने तो खा लिया था, तो मैंने बना ली थी खिचड़ी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और नमाज पढ़ के भी आ गए थे ये। तो अब मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद ऊपर से बिस्तर मंगाऊंगी। और गाइस ये नेट मैंने मंगवाई थी ना, अभी नेट बांधी भी नहीं है, अब उसको बोल रही थी आज कि आज बांध दो, तो बोला था कल बांध देंगे अपन। और यहाँ मैंने खिचड़ी रखी हुई है, इन्होंने तो खा ली है, तो मैं खा लेती हूँ खिचड़ी। और तो सारा काम हो गया था, बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, और अब
अब मैं खा लेती हूँ, उसके बाद ऊपर से ना बिस्तर हो रही है। आपसे बोल दीजिए बिल्ली, अब ये बार बार बोल रहा है कि बिस्तर रख क्या है तो सोना से मंगवाओ। तो गाइस अब अच्छा हुआ ना बिस्तर रख दिया ऊपर, तो थोड़ी धूप लग गई बिस्तर को, हॉल भी पूरा धुल गया, तो अच्छा हुआ ना, साफ सफाई हो गई। तो हेलो गाइस, तो मैंने खाना भी खा लिया, चाय भी पी लिए, और सोना की पहले ऊपर तोशिब ने बिस्तर रखा था, अभी सोना सारा बिस्तर लेके आया और थक गया बैठ गया, तो बिस्तर भी बहुत सारा था, तो बस अभी बिछात करेंगे और तोशिब बिछाएगा। हाँ, और ये बिट्टू के रूम के गादे उधर रख दे। ठीक है गाइस, बैठा हुआ खाली खाली रूम अच्छा नहीं लगता है, बिछात हो जाते तो अच्छा लगता। और ये देखिए कितना सारा बिस्तर लाया सोना, कर अभी कूलर करेंगे देर से, सारी देर से यार, एक घंटा लगेगा कूलर होने में, एक घंटा नहीं कितने घंटा, तो तोशिब की चिल्ला देखो, तोशिब की हरकतें चालू हो चुकी। ये पहले ये बिछा था ना, वो बड़ा लाल वाला बिछा है क्या, बिछा बिछा। तो गाइस 5 बज गई और अब फ्री हुई हूँ, और अब शाम के खाने की तैयारी, तो मैं लेट ही करूँगी क्योंकि दिन भर हो गया आज तो करते करते काम। क्या करें बेटा, और ये मुँह धो रहा है, क्या लेके आया मुँह धोने का, ये गोरा हो रहा है, क्या है बता दो क्या लाया, सिगरेट। यहाँ भी सब है ना, इतनी धूल हो गई थी क्योंकि बिस्तर ऊपर से आया था ना, तो सारे बिस्तर मैंने पहले यहाँ पे रखवाए, क्योंकि अंदर मैं रखते हो टंकी में पानी ख़त्म हो चुका है गाइस, तो अच्छा है। अभी मैं बोल रही थी ना तो इसने नहीं सुना था मेरी, पाइप लगाना पड़ेगा अभी, देखिए पाइप अभी ऐसे ही पड़ा, और इधर तोशिब की हालत देखो, मिर्ची लग रही है उसको। गाइस ने ला चुके हैं, और दोनों कूलरों के भर्राटे इतनी तेज़ आ रहे हैं, और ये इधर गाने बजा रहा है, इसको मना कर रही हूँ अभी कि मत बजा, और नल भी आ गए। तो ये देखिए, आज हमने यहाँ पे गीला नहीं करा क्योंकि सामने प्रोग्राम है वहाँ पे, तो मेहमान बहुत सारे आए हुए हैं उनके। इसमें आई थी छत पे कपड़े उठाने के लिए, तो कपड़े मैंने सारे इकट्ठे कर लिए, आपको दिख रहा होंगे पीछे, लेकिन तो ये देखिए मैंने कपड़े सारे उठा लिए, और अभी छत की झाड़ू मैंने लगा दी, और सामने इधर पीछे टेंट भी बन गया, वो सामने आंटी के यहाँ का प्रोग्राम है, तो दिखाती हूँ आपको। सोना भी बैठा हुआ है, तो ये देखिए दोस्तों के बीच में बैठा हुआ है वो। आई थी मैं प्याज लहसुन, जो बैठ के यहीं पे करूँगी। तो गाइस तोशिब का वेट कर रही थी सब्जी का, क्या लाएगा, तो पालक लाया है वो, लाया और बेशरम। अच्छी चीज नहीं लाया, नहीं लाया अच्छी चीज है। देखिए हरी सब्जी की तो बात अलग है, दिखती क्या है वीडियो में, एक नंबर दिखती है। हरी टी शर्ट पहन के गया था, तो हरी सब्जी लाया वो, अभी बदली आके। हाँ पालक भी काट लिया मैंने, और आटा गूंथ दिया यहाँ पे, देखिए आटा भी गूंथ चुका है, और अब सब्जी बघार देती हूँ पालक की, और फिर रोटी बना लूँगी, उसके बाद बर्तन धो के फिर नहाऊँगी, डबल एक बार और नहाऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, और ये पागलपन देता रहता है जब देखो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो गाइस मैंने बर्तन वर्तन सब क्लीन किया, देखिए बर्तन पूरा किचन मैंने क्लीन कर लिया है, और यहाँ पे मैं ना सिर्फ पालक नहीं बना रही थी, सेव पालक बना रही थी, आप लोग पता नहीं बनाते हो कि नहीं, लेकिन सेव पालक बना रही थी, और काफ़ी टाइम बाद बना क्योंकि ज़्यादातर हस्बैंड रहते हैं ना, तो मैं बहुत कम बनाती हूँ ये चीज़ें, बच्चों को कम पसंद है, दो को पसंद है तो एक को पसंद नहीं है, इसलिए। तो ये देखें
अभी ये और पकेगा। और सेव तो सिर्फ कम लेके आया है, तो कम है उसमें और लेने गया वो। और यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह सब धो दिए हैं। अभी सामने आंटी रहती वो आई थी खाने का बोलने के लिए, तो गाइस मैं तो नहीं जाती हूँ और बच्चों का बोल के गई अभी का, लेकिन मैंने तो खाना बना लिया है। और सोना वहीं पे है, सबके सब जा रही है, लेडीज है तो बोल रही है आप चलो खाना खाने। और यहाँ ये सेव पालक भी तैयार हो गया है, तो ये इस तरीके से इतना पतला रहता है ताकि। तो गाइस मैं अभी नहा कर आई हूँ जस्ट, और खाना खाऊंगी अब, क्योंकि सुबह भी मैंने थोड़ा ही खाना खाया था, खिचड़ी बनी थी ना, खाया ही नहीं था। तबीयत अभी भी मेरी ठीक नहीं हो रही है पूरी तरह से, तो खाना खा के अब मैं दवाई। तो गाइस मैंने आम काट लिए यहाँ पे, और ये सब सब्जी रोटी निकाल ली है। और ही खा रही है, सही में निकालूँ क्या खाना, खा ले बाहर ही तो ये भी नहीं खा रहा है। तो मैं तो मोबाइल के लिए खाना, मेरी अम्मी हमेशा मेरे से मोबाइल ले लेती है, ये मैं रोटी। तो गाइस मैं ब्लॉग इसी से बनाती हूँ, मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं देखो ये नहीं खा रहा था ना, ये हो गया काम चालू, खाने लग गया वो आम। खाना मत दो, खा के आ गया बतासी, खा के आया और क्या खा के आया, दही कचौरी, क्या दही पूरी खा के आया है वो। और मेरे लिए लाया वो खारा समोसा जो मैंने नहीं खाया, वो भी आके इसने खाया तो भूख नहीं लगी इसको। तो गाइस सारे काम से हम फ्री हुए थे और अम्मी आ गई। अम्मी आकर तो आई हुई थी, लेकिन अचानक से फ़ोन आया तो तोशिब लेके आ गया अम्मी को, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा लग रहा है, चलो यहीं सोइए और सुबह से जहाँ जाना है प्रोग्राम में वहाँ चली जाएगी। तो अम्मी कर रही फ़ोन के बाद, तो अब मैं अम्मी को चाय वाय बना के दूंगी अम्मी को, और चाय पियेंगे, कुछ ठंडा भी मंगवाती हूँ। तो गाइस आज की वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दिया करो।